समय समय पर तो हम आते ही रहते हैं, यहाँ प्रभारी होने के नाते हमारी पार्टी की जो संगठन है वो कितनी मजबूत है और किन विषयों पर ध्यान देना, इन सभी विषयों पर थोड़ा बातचीत करने के लिए हम आते हैं। इसलिए मैं और हमारे सह प्रभारी श्री तोमर सिंह जी आए हैं, दो दिन रुकेंगे और सबसे समीक्षा करके हम वापस जाएंगे। प्रवास है कुछ जिले में, कुछ प्रवास है आपका? नहीं अभी तो नहीं है, हम तो अभी ब्रजराज नगर में जो उपचुनाव होगी वहाँ पे जाएंगे, पहले वहाँ जाकर थोड़ा वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे। तो सबसे सेंसिटिव उड़ीसा का है जगन्नाथ जी को लेकर, यहाँ पे बिना परमिशन के एसआई का या फिर एनएमए का वो मंदिर के पास नहीं, जो भी है हमारी पार्टी ने, हमारी यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सब साफ साफ कह दिए हैं जो भी कहना है, तो हमारी दो राह तो नहीं होती है, हम सब एक साथ खड़े। उस तरह का दिखने नहीं जा रहा है, बीजेपी इतना प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, बस एक दो नेता को छोड़ के और सब बैठ गए। नहीं नहीं क्यों बैठ के का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कोई प्रोटेस्ट करना चाहिए ऐसे नहीं दिखता है, लोग बोल रहे हैं बीजेपी के साथ मिला हुआ है, बीजेपी ऐसा बोल रहे वो तो पहले से ही बताते हैं सभी लोग। अगर हम मिले हुए हैं तो ममता मेहर की कांड हो या कुछ ऐसे पब्लिक इश्यूज हो, हम क्यों आवाज़ उठाते हैं, हम इसमें भी आवाज़ उठाए हैं, हमारा स्टैंड बहुत बहुत क्लियर है, पक्का है और हम एक साथ हैं। आवाज़ उठाएंगे आप? नहीं ज़रूर, मैं तो बता चुकी हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कहे हैं ना आप सबसे, कि ही हैज़ मेड द पार्टी हैज़ मेड इट स्टैंड वेरी क्लियर।